नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बीएचयू पाठशाला पे कंटिन्यूअस वीडियोज मिल रहे होंगे और अभी सीयूटी यूजी के काउंसलिंग का पूरा दौर आना बाकी है, तो ऐसे में आप लोग अपडेटेड रहिए और बीएचयू पाठशाला के हर एक वीडियोज को देखिए। आज उसी अपडेट में मैं आपको बताने वाला हूँ, फाइनली एक नया वर्ड आ गया है हमारे बीच में, वो है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CSAS। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित है। आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटी अपना खुद रजिस्ट्रेशन भी करा रही है, जामिया ने अपना करा लिया है और उसके बाद DU का एक नया नंबर आया है रजिस्ट्रेशन का। लगभग 6 लाख से थोड़े से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, क्योंकि DU के लिए बच्चों ने 6 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराया था जब CUT का फॉर्म भरा गया था अप्रैल में। अब इसका पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ, यानी आपको बार बार जाके कहीं देखना ना पड़े। तो जो लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, अगर वो लोग चैनल पे आज पहली बार आ रहे हैं, तो समझ लेना कि आज से दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चाहे काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स हों चाहे उसके कट ऑफ हों, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं, जैसे कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनका अभी आपके मार्क्स के 50% लिए जाएंगे, यानी CUT का 50% लिया जाएगा और अभी आपका एक टेस्ट होगा जिसका आपका 50% मिला के फिर आपका बनेगा। उसी तरीके से आपको अभी रिजर्वेशन कोटा समझना है, कई सारे सुपर न्यूमेरी सीट के बारे में आपको जानना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पूरा एक समंदर है। अगर आपको उसमें पूरी मोतियों को निकालना है तो आपको हर एक वीडियोज को देखना पड़ेगा, जिससे आप उसकी वैल्यूज को समझ सकें और आपको फायदा हो सके, ठीक है। और बाकी बीएचयू पाठशाला पे बीएचयू और इलाहाबाद के तो जा ही रहे हैं अपडेट्स, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो और शेयर दिस वीडियो। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखो क्या है, पहले तो इस पोर्टल को कैसे खोलेंगे ये भी देख लो, नहीं तो पता चला कि आप ढूंढते रह जाओगे। मैं उसका लिंक वैसे डाल दूंगा, देखो ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसको मैंने क्लिक करा तो पहला वाला नहीं, ये DU.ac इनका पुराना ओल्ड वेबसाइट है, यहां से इनकी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपको कार्य करना है। अभी इन्होंने नया बना दिया है admission.uod.ac.in, इसको क्लिक करोगे ठीक है तब ये वाला पेज खुलेगा, यानी ये जो हम लोग का पेज यहाँ पे खुला हुआ है। फाइनली देखो खुल भी गया, अभी देखो ये खुल गया ना वही वाला, ठीक है। अब इस पर क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाना है। जैसे रजिस्ट्रेशन लिंक पे गए तो इस तरीके से पूरा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जैसे हम लोग गए ठीक है ये देखो खुल जाएगा, ये खुल गया। यहाँ पे आपका कॉमन सीट एलोकेशन 2022, सबसे बड़ी बात जो है इसका डेट स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा इसको समझाने से पहले मैं आपको ट्विटर हैंडल पे ले चलता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि इसका क्या डेट है, कब से चालू है। देखो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉन्च इट्स कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2022 पोर्टल टुडे, यानी कल सितंबर देर रात ही अपडेट आया हुआ था, जो कि ये लोग 79 अंडर ग्रेजुएट यानी UG के कोर्स या सब्जेक्ट्स पे अपना काम चालू कर रहे हैं। कितने कॉलेजेस में, 67 कॉलेजेस में। आप सभी को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो कोई एक सिंगल कॉलेज नहीं है, इनके पास टॉप 5 कॉलेज एडमिशन के बाद जितने कॉलेज आते हैं लगभग उसको अलग अलग एरिया के नाम से जानते हैं और उसको एक तरह से DU के एफिलिएशन में आप बोल सकते हो कि उससे एडेड एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं। उसी तरीके से BHU में भी है, यहाँ पे मेन कैंपस BHU और इसके 5 एफिलेटेड कॉलेज जैसे MMB हो गया वो इंटीग्रेटेड में आता है, RGSC जो है वो इसका एक पार्ट हो जाता है, लेकिन DAV हो गया, AMPG हो गया, VCW, VKM, ये सब क्या है, इसके एफिलेटेड कॉलेज। उसी तरीके से अब जैसे हंसराज की बात करें या करोड़ीमल की बात करें तो ऐसे टॉप कॉलेजेस हो जाते हैं और बाकी उसके बाद जो उसके एफिलेटेड कॉलेज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो आपको समझ में आ गया, कल से चालू हो चुका है, अब हम लोग आते हैं रजिस्ट्रेशन करना कैसे, ठीक है। ओके ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो कि आपको यहाँ पे CUET का एप्लीकेशन नंबर डालना है, एप्लीकेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी लिखा होगा और जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस पर भी लिखा होगा। जिनको नहीं मिलेगा एप्लीकेशन नंबर या कहीं खो गया है वो अपना ईमेल चेक करोगे ना, बस ईमेल पे जाना, जो एप्लीकेशन नंबर जो ईमेल आपने दिया था फॉर्म भरने के लिए CUET डालना, तो CUET के नाम से जितने आपको मेल रिवर्स मिले होंगे उस मेल में एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, यानी आपके मोबाइल में भी है वो, यहाँ पासवर्ड डालना है। तो अभी कहाँ से आपको मिलेगा, तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड बच्चे हैं, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखो यहाँ पे है, यानी आप अभी जाके यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करोगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताए जा रहे हैं, वो आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, उससे पहले मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पे फेज फर्स्ट अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन, फिर फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस, यानी आज आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो, किस कोर्स के लिए आप यहाँ पे आए हुए हो, ये आपसे फिलअप कराया जाएगा, फिर उसका एलोकेशन कम एडमिशन, यानी फिर जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपको वहाँ पे सोलर होने लगेगा आपके पूरे कॉलेजेस, आपके सब्जेक्ट्स, जिसको प्रेफरेंस एंट्री बोलते हैं, फाइनली आपका सिलेक्शन जिसको बोलते हैं।
यहाँ पे एक इसकी डीमेरिट्स भी हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो में ले आ रहा हूँ कि क्या हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था का स्तर इतना गिर गया है कि ये लोग लगभग 135 करोड़, जहाँ तक मेरे को लगता है, अगर मैं बस 600 और मैं लगभग 7 लाख जो बच्चे हैं वो 600 के रेट से मैं फॉर्म कर देखूँ और बाकी के लगभग 8 लाख बच्चे जो हैं अगर उनका मैं 900 या 1000 के रेट से देखूँ, कुल मिला के 100 करोड़ मान लो, 100 करोड़ रुपए इन्होंने बस किससे कमाया है, एनटीए ने कमाया सीयूटी एग्जाम से। उसके बाद अब हर यूनिवर्सिटी जो है, जैसे अब आप देख रहे हो यहाँ पे 200 रुपए, अगर मैं 250 और 100 रुपए का एवरेज लेके 175 मल्टीप्लाई 600, अगर 6 लाख बच्चों का मैं कर दूं तो लगभग कितना डेटा आ जाएगा, मुझे लग रहा है कम से कम 70-80 करोड़ रुपए आ जाएगा। तो 70-80 हज़ार करोड़ जो है वो फिर से इनके पास कमाई जा रही है। अब एक बच्चा JMI में भी डाल रहा है, दूसरा वही बच्चा फिर आपको DU में भी डाल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में भी बाकी यूनिवर्सिटी जानी है उनके साथ भी ऐसा सीन हो, चलो ठीक है, अभी मैं सेपरेट वीडियो ला रहा हूँ तो मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है इसके लिए। तो यहाँ पे उन्होंने फीस भी रखी हुई है, ठीक है, और आपको ये फीस देनी है। उसके बाद देखो क्या, न्यू रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन ध्यान देना कि पोर्टल थोड़ा स्लो चल सकता है क्योंकि हर कोई विजिट करेगा, 6 लाख बच्चे हैं, हर कोई विजिट कर रहा है। देखो यहाँ पे आ गया कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, CUT एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है, फिर आपको स्टेट डेट मतलब जो आपका सिलेक्शन बर्थ है वो चेंज, यहाँ पे फिर आपका कैप्चा कोड है, चेंज होता रहता है, ध्यान देना यहाँ पे कैप्चा कोड डालोगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए डाल दोगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी गई हैं जो पॉइंट्स आपको ध्यान देना है, देखो यहाँ पे, ठीक है, जैसे आपके पास क्या होना चाहिए, नेम आपका पता होना चाहिए, फोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है, टू बी अटेस्टेड फ्रॉम द CUT एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो आपका फोटो CUT फॉर्म पे था वही फोटो, ध्यान देना यहाँ पे लगेगा। उसके बाद यहाँ पे मस्ट यूज हर एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर CUT का लगेगा, और आपके पास गूगल का क्रोम वेबसाइट होना चाहिए, वर्जन नया वर्जन जो वेव है वो होना चाहिए, बाकी एप्लीकेशन शायद ये ओपन ना हो, यानी ये वेबसाइट भी ना ओपन हो, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना। फिर ठीक है, रिमेंबर देयर द लॉग इन डिटेल सच ए पासवर्ड, और आप जब यहाँ पे अभी बनाओगे, जब अपना ये डाल के जब क्रिएट करोगे तो भी आगे वाले जो प्रोसेस है उसमें आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो वो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आप बार बार जाके, मैं आपको बताया था ना यहाँ पे ये वाला, जब ऑलरेडी एग्जिस्ट वाली बात आएगी ये, तो यहाँ पे जाके फिर आपको बार बार नहीं वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना, एक बार रजिस्ट्रेशन वहाँ कर दोगे फिर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालोगे, आपका ओपन हो जाएगा, कैप्चा कोड डाल दोगे तो ठीक है, यानी फिर आप, हो सकता है कि वहाँ पे आपको चेक करने जाते रहना पड़ेगा ना कि हाँ आपका क्या आया क्या नहीं आया। तो फाइनली होपफुली आपको इलाहाबाद के साथ साथ आज DU के बारे में इतना कुछ पता चला होगा। तो बीच बार तला के हर एक वीडियोज को देखें आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूं जस्ट थोड़े ही देर बाद, जिसमें मैं बताऊंगा कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो कहां तक जायज़ है और इस पे हमारी सरकार क्यों चुप है। बाकी आप लोग कमेंट करना, अभी हमारे यहाँ नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल की बात की जा रही है तो इस पर भी कमिंग वीडियोज मिल जाएंगे, तो प्लीज उनको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और बीच पाठशाला का हर एक वीडियोज देखें अगर आप चाहते हो कि आपका कोई अपडेट ना मिस होने पाए तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, हर हर महादेव, मुस्कुराते रहिए।